नमस्कार। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं जिले की 3 विधानसभाओं की 7 नगरपालिका परिषद और कुछ नगर परिषदों में। इनके क्या हाल हैं? माननीय हमारे सांसद जी जो लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ से जीते थे और उन्होंने इन नगरपालिकाओं में, इन नगरपालिका परिषदों में कितना सांसद निधि के माध्यम से विकास कार्य कराया, क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको सहयोग किया, तेंदुखेड़ा 1, करेली, गाडरवारा, नरसिंहपुर, साईखेड़ा, चीचली और सालेचौका, ये 7 हमारे यहाँ नगरपालिका हैं और परिषद हैं, इनमें कितने विकास कार्य हुए, ये सब हम जानने के लिए आज आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले हम सांसद जी की गृह विधानसभा यानी तेंदुखेड़ा विधानसभा की नगर परिषद में आए हैं और आज हमारे साथ तेंदुखेड़ा नगर परिषद के श्रीमती माया पुजारी जी हैं और कमलेश चाचा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और लोकसभा चुनाव सामने हैं, आप निर्विरोध जीते थे, तो सांसद जी द्वारा आपकी तेंदुखेड़ा नगर परिषद में क्या विकास कार्य कराए गए, क्या सांसद निधि के माध्यम से यहाँ की जनता को दिया गया? हमारे यहाँ नगर परिषद तेंदुखेड़ा में सांसद जी ने कुछ ऐसा विकास नहीं किया और ना कहने के अनुसार भी उनने कोई काम नहीं किया। हमारे इधर कुछ बड़ी राशि दी या कोई बड़ी राशि भी नहीं मिली हमारे यहाँ। उनसे बोला भी था कई बार कि हमारे यहाँ कोई ऐसा काम करना है जो आपकी मतलब सहयोग देना चाहो। आपके 5 साल के, अभी 5 साल होने वाले हैं, 5 साल के शासन में 1 रुपए का भी काम सांसद जी द्वारा नहीं कराया? नहीं कराया कोई भी सौगात? कोई नहीं कराया काम। आप बताइए, आप लोग कभी नहीं गए सांसद जी के पास मिले हो यहाँ? हम लोग गए सांसद जी के यहाँ, एक ही पार्टी में थे हम लोग उस टाइम पे, तो हम लोगों ने उनसे 2-3-4 बार चर्चा की कि आप हमारे तेंदुखेड़ा नगर परिषद में कुछ राशियाँ दें बड़ी, जो हमारे यहाँ रोड अच्छे बन जाएं, नाले अच्छे बन जाएं। मगर उनने 1-2 बार हम लोगों को आश्वासन, कोरे आश्वासन दिए। हम लोग गए भी, एक दो पार्षद लोगों के साथ गए, उपाध्याय जी के साथ गए, मगर उनने कभी कोई राशि हम लोगों को नहीं दी। 5 साल होने वाला है, दुख नहीं होता आपकी परिषद में अगर सांसद जी द्वारा कोई बड़ा कार्य मिल जाता तो यहाँ की जो 13,000 जनता है? हाँ, थोड़ी सी राहत मिलती। नहीं, वो तो हम लोगों ने कई बार उनसे कोशिश की और उनने कभी ध्यान नहीं दिया। अब वो उनके जो भी व्यक्तिगत वो हो, मगर हम लोग चाहते थे कि सांसद हमारी पार्टी के, उस टाइम पे हम लोग भाजपा में थे, मगर उनने एक बार भी कोरे आश्वासन, जब भी गए तब भी उनने एक बार बोला हम लोगों से कि 1 करोड़ हम आपकी शमशान घाट के लिए दे रहे हैं, मगर और इसके बाद भी बोला कि नहीं, वो आपके हमने पैसे डाल भी दिए हैं। हम लोगों ने भोपाल में पता किया मगर आज तक पूरी। ये बड़ा एक विषय है कि करेली में, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ के उपाध्यक्ष हैं प्रदीप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमन। हम ये खबर बना रहे हैं कि सांसद जी द्वारा जिले की 7 नगर पालिकाएँ और कुछ परिषदें उनमें शामिल हैं, उनको कितने रुपए का सहयोग या विकास सांसद निधि द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, उसी के तारतम्य में आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि करेली की नगर पालिका के आप उपाध्यक्ष हैं, पिछले 5 वर्षों में सांसद जी द्वारा यहाँ पर नगर पालिका में क्या सौगातें दी गई, क्या विकास कार्य कराए गए? मेरी नज़र में तो इस 5-5 वर्षीय जो कार्यकाल रहा है उधर माननीय सांसद महोदय जी का, 1 रुपये करेली नगर पालिका के लिए नहीं दिया गया है। और मेरी नज़र में, मैंने ऐसे पहले बात की थी, तेंदुखेड़ा में भी जो उनके गृह क्षेत्र है वहाँ भी इनने सांसद निधि से कोई भी विकास नहीं दिया है। साईखेड़ा में नहीं दी है, चीचली में नहीं दी है, चीचली तो हालांकि भाजपा, चीचली भाजपा का है मगर वहाँ भी नहीं दी गई है। और मेरी जानकारी के अनुसार गाडरवारा में भी 1-2 रोड के लिए इनने पैसा दिए हैं, बाकी आज तक इनने कोई भी अपनी राशि आवंटन नहीं किया नगरीय क्षेत्रों में। करेली नगर पालिका की बात करें तो करेली नगर पालिका में किसी प्रकार का कोई सौगात नहीं दी, कोई भी 1 रुपये की राशि माननीय सांसद महोदय जी ने करेली में नहीं दी है। इन्होंने एक घोषणा की थी 100 वाहन की करेली शहर के लिए, और 5 साल निकल गए और चुनाव आ गए हैं तो भी अभी तक 100 वाहन नहीं भेजा गया है इनकी निधि से। और एक क्रिकेट टूर्नामेंट में इन्होंने घोषणा की थी करेली स्टेडियम में लाइट व्यवस्था के लिए, नाइट क्रिकेट मैच हो सके, वो भी नदारद है, आज तक वो भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। आप लोग कभी जाके नहीं मिले या कभी किसी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई तो आप लोगों ने मांग नहीं की कि भैया आप सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, करेली से भी आप भारी बहुमतों से जीते थे तो करेली के लिए कोई सौगात दे दें? जी, उनको सोचना चाहिए कि करेली से हम जीते हैं तो करेली के लिए हम लोग क्यों जाएं, और जाते भी तो खाली हाथ वापस आते हैं, नहीं देते हैं। माने कांग्रेस गवर्नमेंट होने के कारण नगर पालिका में भाजपा वाले इतना महत्व नहीं देते। 2 मिनट का समय चाहिए था बस। हाँ, मैं ये बोला था कि सांसद जी द्वारा अपनी नगर परिषद को, जो साईखेड़ा अपनी नगर परिषद है,
कितनी राशि दी गई है, कितना सहयोग किया गया है, कुछ इसकी मोटी मोटी जानकारी है आपको? भैया हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना कभी राशि है, तीन साल से कोई राशि नहीं है, कोई मतलब किसी के द्वारा कोई राशि नहीं दी गई। सांसद जी द्वारा एक रुपए का भी काम नहीं करवाया गया अपने नगर पालिका परिषद में? नहीं कराया गया है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। और इसके अलावा कोई जानकारी कि सांसद जी ने कभी कोई सहयोग जानकारी क्या मतलब नगर पंचायत को तो मतलब भाजपा ने कुछ काम करने का मौका ही नहीं लोगों ने नहीं था। अच्छा, तो सांसद जी द्वारा साईखेड़ा नगर पालिका परिषद को कुछ नहीं मिला? ठीक ठीक, धन्यवाद सर, आराम करें, स्वस्थ रहें और मतदान जरूर करें। जी, शुभ नाम है भैया आपका? भगवान दास नगर लिखते जी। तो आपकी धर्मपत्नी जी अध्यक्ष हैं साले चौक की? जी जी, संगीता मेहरा। जी जी, संगीता मेहरा जी। मैं ये निवेदन कर रहा था भैया के साले चौका को माननीय सांसद जी द्वारा, हमारे उदय प्रताप जी हैं सांसद होशंगाबाद के जी, कोई विकास कार्य के लिए कोई सांसद निधि दी गई है, कोई स्वागत दी गई है साले चौका में? 2,00,000 रुपए दिए थे भैया, 2016 में 2,00,000 रुपए दिए थे। काय के लिए भैया? सीसी रोड के लिए। इसके अलावा बस कुछ नहीं दिए था। पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 2,00,000 रुपए दिए साले चौका को, 2,00,000 रुपए सीसी रोड के लिए। जी जी, इसके अलावा और कुछ सांसद जी द्वारा नहीं दिया? 12 वो भी बीजेपी का वार्ड है। अच्छा जी, आप लोग कभी मिले, आप लोग कभी उनसे मिले नहीं कि भैया? हम बहुत निवेदन किया हमने, गया क्या मांग की थी आपने? बार बार भी बात की उनसे, विधायक जी से भी, सांसद जी से भी, मगर 2,00,000 रुपए मिले थे सांसद। अच्छा जी जी, हमने सीसी रोड बनवाया, बड़ा रोड बनवाया वहाँ जी जी, स्कूल अपना हाई स्कूल जी जी, अपनी परिषद की निधि लगाई थी उसमें जी जी जी, 2,00,000 रुपए सांसद जी के और बाकी अपन ने अपनी परिषद की जी जी। अध्यक्ष वहाँ से भाजपा के हैं, तो क्या विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं चीचली में और कौन कौन सी सौगातें दी, थोड़ी उसकी जानकारी चाह रहा था भैया मैं। वैसे तो सभी काम सांसद जी की कृपा से हुए हैं जी जी जी, फिर भी कौन से मोटे मोटे एकाध दो? जैसे मान के चलो आप तालाब का काम लगा है हमारे जी जी जी, उसके लिए कितनी राशि आई भैया? वो तो 69,00,000 का काम है कुछ परिषद से और बाकी उनके सहयोग से। अच्छा, उनने कितना सहयोग किया फिर भी? ये डिटेल तो खैर अब हम जानकारी, चलिए ठीक है। इसके अलावा भैया और शमशान घाट में बाउंड्री वाल है उनकी जी जी, टैंकर उसके, उसके लिए कितनी राशि दी थी शमशान घाट के लिए? 1.5-2 लाख रुपए करीब जी। और टैंकर कितने दिए भैया? टैंकर 2 है जी जी। और इसके अलावा मंगल भवन, एक मंगल भवन भी उन्हीं ने बनवाया है जी, विधायक जी और सांसद जी दोनों की राशि, घाटवाड़ा विधायक अपने और सांसद जी द्वारा जी। और मान के चलो एक रोड है, एक रोड और दी है जी, मतलब बहुत से काम है, अधिकांश सब डिटेल नहीं निकलवा पाए हम क्योंकि आचार संहिता लगी, मैंने किसी अधिकारी को फोन, फिर भी मोटे मोटे 10,00,000 रुपए काम होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, 15,00,000 रुपए जी जी। आप कौन बोल रहे हैं भैया? ज्यादा ही होंगे जहाँ तक जी। मैं नीरज ताम्रकार बोल रहा था। अच्छा, यानी आपकी माता जी अध्यक्ष? माता जी अध्यक्ष जी जी। तो भैया फिर भी 15,00,000 के काम तो हैं सांसद जी के? हाँ जी, जिले में। ठीक ठीक, क्योंकि ये जी बताओ भैया, अपने जिले में 7 नगर पालिका है, परिषद और पंचायत है, करीली नगर पालिका, नरसिंहपुर नगर पालिका, 7 टोटल। तो जिसमें सांसद जी द्वारा करेली नगर पालिका और तेंदुखेड़ा जो उनकी गृह विधानसभा की नगर पालिका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई न विकास कार्य कराया गया एक रुपए का, ना कोई सांसद निधि, ना कोई सौगात दी गई है। एक ये कह रहे हैं आप सौगात नहीं करी, करेली नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, पहले अपन तेंदुखेड़ा की बात करें, ठीक है जी। तेंदुखेड़ा विधानसभा में जी, जो तेंदुखेड़ा में जब से देश आजाद हुआ पानी के लिए लोग तरस रहे थे, तेंदुखेड़ा में लोग पलायन करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उदय प्रताप जी के माध्यम से नर्मदा जल हम लाए हैं तेंदुखेड़ा में, ये काम हमने किया जी। नगर पंचायत का जो काम है, नगर पंचायत का कार्यालय, वो भी सांसद जी के प्रयासों से हुआ, पूरा कार्यालय बन गया, ये काम कैसे हो गए नहीं अमन भाई? जी जी जी, तेंदुखेड़ा की जो नगर, तेंदुखेड़ा की जो नगर, कहना ये है तेंदुखेड़ा विधानसभा में यदि कोई कार्य हुआ है जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2003 के पहले तेंदुखेड़ा में शून्य था, विकास के नाम पर शून्य था, 3 रोड की सड़कें थी, डामर की पक्की, बलहरा डोभी जी, चौरपाठा वाली और एक काशी खैली,
जी आज सड़कों का जाल देखो आप, जगह जगह स्कूल की व्यवस्थाएं देखो, हॉस्पिटल देखो आप जी, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी आप क्योंकि आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, माया कमलेश कोजारी जो वहां से निर्विरोध जीती थी उनने आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से साफ कहा है कि सांसद जी द्वारा एक रुपए की कोई भी राशि तेंदुखेड़ा नगर परिषद को नहीं दी गई। आपने जो बताया जलवर्धन योजना जी जी भैया, तो उनका ये कहना है कि भैया जलवर्धन का जो आपने बोला बिल्कुल उससे सहमत है, लेकिन उनका ये कहना है कि भैया तेंदुखेड़ा नगर परिषद में किसी भी प्रकार का कोई तेंदुखेड़ा नगर में सांसद जी की निधि से जी कोई कार्य नहीं। देखिए ये कहना उनका है जी, ये उनका लोक है, कौन आदमी क्या कह रहा है जी जी, लोगों का काम है कहना, समझ गए ना जी जी जी। हम जो बात कर रहे हैं आपसे तथ्यात्मक बात करूंगा मैं। अच्छा दूसरा भैया करेली नगर पालिका को भी कोई राशि नहीं दी गई। अरे करेली में जो विकास कार्य हुआ है उसमें कहीं ना क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जी कोई विधायक या सांसद अकेला काम नहीं कर सकता, यदि प्रभारी मंत्री ने कोई सौगात दी है तो वो संगठन के माध्यम से सांसद विधायक सबका संयुक्त सहयोग माना जाता है। अब आप ये मान के चलिए केरपानी का पुल बना जी, परमान का पुल बना, ये सांसद जी ने नहीं बनवाया क्या जी, ये बड़ी बड़ी सौगातें जो लोगों को जरूरी था। आप अमन भाई सोचिए कि केरपानी से आने के लिए हमको 1.5 घंटे लगते थे अध्यक्ष जी, लेकिन आपके ही देने के मात्र 20 मिनट में लोग नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। आपके ही सांसद जी ने 26 लाख रुपए के गाडरवारा नगर पालिका में काम करवाए हैं उनकी सांसद निधि। ठीक है नहीं सांसद निधि बात अलग है। देखो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि सांसद निधि करेली नगर पालिका को, तेंदुखेड़ा नगर पालिका को, नगर परिषद को क्यों नहीं दी गई, जबकि गाडरवारा में 26 लाख रुपए कार कराया आपने, साईखेड़ा में नहीं दिया आपने सांसद जी ने, अध्यक्ष का कहना है साले चौका में मात्र 2 लाख रुपए दिए। क्या है जी ये उस समय की बात है जब वहां से संजय शर्मा जी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे जी, सक्षम व्यक्तित्व थे जी, वो वहां निधि देते थे जी, कहीं और दे दें तेंदुखेड़ा में बाद में दे देंगे। तो गाडरवारा में भी तो आपके विधायक थे? नहीं गाडरवारा में हमारे विधायक थे, नरसिंहपुर में भी आपके सांसद। देखो सांसद निधि देना ये सांसद के ऊपर है, लेकिन सांसद जी के द्वारा कोई काम नहीं कराया इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सांसद जी ने पूरा प्रयास किया 5 साल जी, हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में उनका काम हो। अब सांसद निधि का ऐसा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी जिससे मैं अधिकृत रूप से आप नहीं कह सकता जी जी, लेकिन फिर भी उनने प्रयास किया है विधानसभा में कहां देना है, हर विधानसभा में समान दृष्टि से उनने पैसा दिया। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, कल मोदी जी की सभा है, सिर्फ एक अंतिम क्वेश्चन क्योंकि ये खबर चलेगी ऑन रिकॉर्ड, करेली, तेंदुखेड़ा, साईखेड़ा ये तीन क्योंकि यहां पर भाजपा के विधायक थे तो यहां पर कोई भी सांसद निधि नहीं दी गई है, आप चूंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए सांसद निधि के बारे में जिला अध्यक्ष ज्यादा जवाबदेही नहीं होती है जी, हम लोग परियोजनाओं पर काम करने वाले लोग, जिला अध्यक्ष का काम परियोजना जी, किस विधायक ने कहा निधि दी, यदि ऐसा लगता है हम लोगों को आवश्यक लगता है जिला भाजपा अध्यक्ष को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहीं लगता है कि यहाँ विधायक सांसद निधि देना चाहिए जी, तो हम लोगों ने दी भी है जी, अब उनने क्यों नहीं दी है ये हमें मालूम अभी नहीं है जी, लेकिन ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि सांसद जी द्वारा और करेली में कोई निधि ना दी गई है, मैं पूरी जवाबदारी के पूर्वक कह रहा हूँ उन्होंने दी है, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ कोई जवाब